जेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास, मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तहरीकी अदम एतमाद और सदारती रेफरेंस पर बातचीत हुई। मजीद जानते आज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी, आज के इजलास में ये फैसला हुआ है कि सियासी कमेटी का इजलास हर रोज हुआ करेगा और भारत के सोशल पर गौर होगा। आज के इजलास में स्पीकर कौमी असेंबली ने ब्रीफिंग दी कि इजलास के हवाले से क्या फैसले हुए और किस तरह से इजलास जो है वो आगे चलेगा। इजलास के बाद उधर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि 25 मार्च को इजलास होगा, लेकिन फातह खाने के बाद खत्म होगा और उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली तय करेंगे कि 31 को या 30 मार्च को या कब इसने आगे चलना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर अतमाद है कि अपोजिशन की जो तहरीकत में अतमाद है वो डिफीट होगी। उन्होंने कहा कि असल फैसला 27 मार्च को जो डी चौक का जहां भी जलसा होगा हुकूमत का और अपोजिशन का उसमें होना है और उसमें फैसला करना है कि कौन जीतता है। बहुत शुक्रिया।